नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। इस वक्त हम लोग मौजूद है अयोध्या जिले में और अयोध्या जिले के रामपुर भगन की इस बाजार में है, जहां पर आप देख रहे होंगे ये पेट्रोल पंप है। और पेट्रोल पंप इस तरफ जब हम लोग ध्यान देते हैं तो आप देखेंगे ये पूरी ट्रक जो कि नशे में था ड्राइवर, या क्या मामला था वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से इसके फरकच्चे उड़ गए हैं, जिस तरीके से इस ट्रक ने पूरे यहाँ पर घर का नुकसान किया। एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा हमारे पास में आके इस घर को दिखाएंगे। इस घर का बुरी तरीके से नुकसान हुआ है, से होते रहे हैं और गृह स्वामी परेशान रहा है, गृह स्वामी को नुकसान हुआ है लेकिन उसका कोई हर्जाना नहीं मिला। गाड़ी जो आई थी रात 5 बजे यहाँ पर थी और एक इनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी, वो पूरी तरीके से 3 गाड़ियां इनकी जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। ये 3 गाड़ियां यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप ये देखेंगे इस तरीके से फरकच्चे पूरे उड़ गए हैं। और ये तीनों गाड़ियां किसकी थी, आप ही की थी जी? चंद्रपाल सिंह जी। चंद्रपाल सिंह हमें ये बताइए क्या है पूरा मामला, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे जी। सायंग 5:15 बजे हम बाहर निकल के ही चबूतरे बैठे थे और हमारा लड़का हमारे से पूरा थोड़ा सा 10 फीट 12 फीट दूर पे दो लोग आपस में वार्ता कर रहे थे और हम कुर्सी पे आराम से बैठे थे। तब तक उधर से आवाज आई भगो भगो, तो हम नहीं समझ पाए क्या बात है कैसे। तब तक उधर से गाड़ी इतनी स्पीड में थी, गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में थी, तो आप सब लोग समझ सकते हैं मामला जो है ज्यादा तेज रफ्तार होने की वजह से हुआ है। और यहाँ पर प्रशासन इतना लचर देखा गया कि ये पहली बार नहीं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हादसे हो चुके हैं। प्रशासन यहाँ पर लचर रहा है जिसने अभी तक कोई कार्रवाई ठीक ठाक नहीं की है, इस वजह से लगातार यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहे हैं। और जो यहाँ पर नशा करके आते हैं, नशा करके जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ के मैं प्रशासन को कहना चाहूंगा इस तरह के नशेड़ियों और तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ आपको लगातार और तेज कार्रवाई करने की जरूरत है। तो चलिए आप बताइए फिर क्या बता हुआ आपके साथ। जब स्पीड से इतनी गाड़ी थी और गाड़ी का कहाँ पर बैठे थे आप? यहाँ हम यहाँ बैठे थे, यहाँ बैठे हुए थे आप जी, जी। तो देख सकते हैं यहाँ बैठे थे, थोड़ा सा जगह दीजिएगा, ये स्थान ये सामने बैठे थे और गाड़ी यहाँ तक घुस गई थी। गाड़ी यहाँ पकड़ा गई, गाड़ी के दबाव से, गाड़ी कितना दबाव था, फोर्स थी कि हम कुर्सी सहित यहाँ से 12 फीट कम से कम वो साइकिल जहाँ खड़ी है वहाँ जाके गिरे हैं कुर्सी लेके। चोट वोट आपको कहाँ लगी, कैसे? धूस की चोट यहाँ बाएं साइड में, बाएं साइड में इनके धूस की चोट भी है। और किसी को कोई चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, और सब सारे लोग सेफ रह गए। ये 3 गाड़ियां आपकी नुकसान हुई है, तीनों गाड़ी आपकी है? दो मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, एक साइकिल जी, चार हैं उसमें, चार है, चार चीजें हैं और चारों बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। साइकिल को लेकर 3 गाड़ियां आप लोगों के सामने है सब जी, जी। चार हैं स्कूटी साइकिल। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा दोबारा से इसको सही से दिखाया जाए। ये देख रहे हैं स्कूटी का ये बुरा हाल है, दीवाल का ये बुरा हाल है। अगर आदमी इसकी चपेट में आ जाता, तेज रफ्तार की चपेट में आ जाता तो बचना नहीं था। क्या आपको कोई बात हुई पुलिस प्रशासन की तरफ से, क्या बात हुई? जी, एसओ साहब ने हमको कोऑपरेट किया है। एसओ साहब ने क्या कोऑपरेट किया आपको? एसओ साहब ने हमको आश्वासन दिया कि आप घबराइए मत, आप बचे हैं, सुरक्षित हैं। उनसे पूछे भैया आप कौन हैं, यहाँ जब देखना शुरू किए इधर उधर, हमको आपका परिचय, कहे हम जायसवाल हैं, हमारी गाड़ी है, हमका कहाँ के हैं, कहे अयोध्या फैजाबाद। तो उनसे आपकी कोई बातचीत हुई? कोई बातचीत में देखे तो यहाँ हमसे कहे कहाँ गाड़ी साला तेज लेके आया था इतना तेज, हम कहा भैया देख भी लीजिए पीछे से, और हमारा तो पुनर्जन्म हुआ है, हम बहुत दबाव में हैं लेकिन फिलहाल खुश भी हैं। तो इसके बाद वो कहे कि जरा हम ड्राइवर को भी देख लें। आप कुछ तकलीफ में महसूस हो रहे हैं बोलते समय, क्या? थोड़ा सा भावुकता ये है जी जी कि अभी 30 मार्च को हमारा रिटायरमेंट है। अच्छा, इसी 30 मार्च जी? अभी बच्चों की शादी विवाह से बड़ा बहुत बड़ा लोड है, बहुत ज्यादा आगे तो आपके पास जिम्मेदारियां हैं। जी जी जी, वही सब सोच के थोड़ा सा भावुकता आ जाती है। अपनों को देखते हैं जैसे हमारे तो, भाई साहब अनिल सिंह हैं और सब जो हैं यहाँ, तो आप लोग समझ सकते हैं बच्चों की शादियां हैं और इस तरीके का बड़ा नुकसान हो रहा है। क्या आपको गाड़ी मालिक ने कहा कि कुछ आपको मदद दी जाएगी या इसके नुकसान की? हम उनसे कहा भैया जा रहे हैं, कहे हाँ, तो हम कहा कुछ सोचे, तो उन्होंने कहा ठीक है समझते हैं। समझते हैं जी? आपने पूछा कुछ सोचे तो उन्होंने कहा समझते हैं जी। हाँ, तो समझने के लिए थाने पे गए हम। अब उधर है थाने पे उनका, तो थाने पे जाकर वो क्या समझ रहे अभी नहीं पता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करते रहिए और इस तरह की बहुत सारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अच्छा, हमें ये बताइए थाने पे कोई आगे की कार्रवाई कितना टाइमिंग बताया जा रहा है, कब कार्रवाई होगी? अब वहाँ बताए शायद की होली का कार्यक्रम चल रहा है, अभी थोड़ा सा शांत हो जाए इसके बाद आइए तहरीर। नहीं तो होली का कार्यक्रम करते रहेंगे, जनता यहाँ परेशान है, उनका कार्यक्रम चलता रहेगा इसे। अब भाई 11 बजे टाइम, 11 बजे का टाइम दिया है, तो 11 बजे देख लीजिए। और चलिए हम आपसे और कुछ जानना चाहेंगे,
जयसवाल जी का आपने नंबर कोई डिटेल वगैरह कुछ लिया? ड्राइवर का नाम कुछ नहीं? ड्राइवर का नाम? ड्राइवर का लाइसेंस हम निकलवा लिए शाम को। शाम को निकलवा लिए? हाँ, हमने कार्ड उसका डीएल ले लिया। गाड़ी का? गाड़ी का नंबर है। गाड़ी का कागज? कोई गाड़ी कागज नहीं मिला। गाड़ी कागज आपके पास नहीं है? नहीं। तो पुलिस वाले लेके गई बैग उनका? तो गाड़ी का कागज जो है पुलिस वाले लेके गए है? अच्छा, अच्छा बैंक बैंक का जो सारा नहीं, बैग में कपड़ा था वो सब चेक किए क्या है क्या नहीं है, सारा डिटेल कागज वाले लेके गए। हाँ, उसका कपड़ा वपड़ा था सब, उसको रात में ले गए लगभग 10 बजे। एक बार हम गाड़ी को दिखाना चाहेंगे। ये गाड़ी जो है काफी आप देख सकते हैं कि तेजी में आई थी, इसको बाद में यहाँ पर जो क्रेन आई क्रेन से खींच के यहाँ पर पीछे कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं गाड़ी पे गंगा रथी लिखा हुआ है। गाड़ी का जो नंबर है मैं बता देता हूँ, UP 42BT 56 53 है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और जो अभी तक कोई मुआवजे की बात नहीं हो पाई है, गाड़ी यहाँ से आई है? जी, गाड़ी यहाँ से आई है। अच्छा अच्छा, तो काफी रफ्तार में ये गाड़ी रही थी। कितनी रफ्तार रही होगी कुछ आप बता पाएंगे? 80-90 से ऊपर। 80-90 की रफ्तार? 80-90 की रफ्तार थी इस गाड़ी की। और पूरा आप यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आप देखिए पूरा घर का सामने का फरकच्चा उड़ गया है। उस गड्ढे में गाड़ी खड़ी की गई है, उसके बाद भी ये गाड़ी चढ़ गई। इतनी स्पीड में ये गाड़ी थी, वहां पर जो लोग बैठे थे उनको भी काफी नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे आपकी अयोध्या का चैनल अयोध्या न्यूज स्टोरी। आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों, मेरा अनुरोध है आपसे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे और भी लोगों को यहाँ पर जो आप कनेक्ट कर सकेंगे। और हम बताएंगे, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब आप लोग लिखते रहिएगा, और फेसबुक पे भी आप हमारा चैनल देख सकते हैं। क्या हुआ, क्या दोस्तों, जब हमने यहाँ पर जानकारी की तो एक और जानकारी यहाँ पर मिल रही है हमें, और हम जानना चाहेंगे इन्हीं के मुँह से क्या बात है और क्या मामला था, क्या क्या मामला रहा था, क्या बताए? यहाँ पे दो बच्चे पल्सर से आए। हाँ। और वो बताए कि सर ये जो है वहाँ टोल प्लाजा के पास एक्सीडेंट करके आ रहा है, भरत कुंड के पास, भरतकुंड टोल प्लाजा के पास एक्सीडेंट करके आ रहा है। जी जी, भगा है वो। हाँ। वो लोग ओवरटेक किए रोकने के लिए। जी जी जी, वो पिपरी हो से सीधे घूम गया इधर। हाँ। बीकापुर भी वो लोग सूचना दिए कि सर अभी फला नंबर गाड़ी एक्सीडेंट करके जा रही है, रोका जाए। जी जी, उसके बाद वो लोग भाग के यहाँ आए, तब तक यहाँ घटना घट चुकी। जब देखा यहाँ स्थिति, खड़े रहे कुछ देर, रहे बहुत नाराज थे, बहुत क्रोधित थे बच्चे। फिर उसके बाद जब देखे सारी ये सब यहाँ की विभत्स घटना, फिर बेचारे लौट गए वापस। जी, तो जैसा कि आशंका बताई जा रही है जी, कि पिपरी टोल प्लाजा पर भी ये गाड़ी एक्सीडेंट करने के बाद में वहां से बहुत तेजी से आ रही थी, अनियंत्रित, यानी कि बचाव के लिए अपने की कुछ कांड इसने किया और उसके बचाव के लिए चली थी, ऐसा कि बताया जा रहा है। जी, जी। आप भी एकदम क्लियर नहीं कह सकते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। आप हमें यूट्यूब चैनल पर हमारे सर्च कर सकते हैं और हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।